दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कूलर की मोटर जो बार बार हमारी जाम होती है किस कारण होती है। बिल्कुल इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपकी जो हमारी जो कूलर की मोटर जो जाम होती है उसका क्या कारण होता है, मेन जो जाम होने का कारण होता है। चलिए देखिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए हम इसके स्टार्टिंग से इसके पेज खोलेंगे। पहले इसके हम चारों पेज खोलेंगे। ये दोस्तों देखिए हाई स्पीड कूलर की मोटर है, ये 110 की मोटर है और ये ब्रांडेड कूलरों में आती है, सिंपनी बजाज ओरिएंट वगैरह के कूलरों में ये मोटर लगी हुई होती है। ये देखिए हमने इसके धीरे धीरे सारे पेज खोलेंगे। और देखिए पेज खोलने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जो 8 नंबर की टी पाना है, इसे गोटी भी बोलते हैं, 8 नंबर की गोटी, 8 नंबर के चाबी भी बोलते हैं। देखिए चारों पेज इसके 8 नंबर की चाबी से खुलेंगे। देखिए हल्का सा इसमें निशान लगा लो ताकि आपकी फिटिंग पहले से ही सेम हो, उसके अंदर टेप लगी हुई है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। ये देखिए इसे हम खोल लेंगे अब आराम से। तो आगे का ढक्कन हमने इसका निकाल लिया और पीछे का देखिए जो आगे का ढक्कन आराम से निकल गया, इसका मतलब है आगे का इसका बोझ ठीक है और ये जाम मुझे पीछे के कारण हुई, इसका पीछे का बोझ ख़राब है। और अब इसके जो कनेक्शन होते हैं ये आराम आराम से निकाल लेंगे, इसमें ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करना नहीं है क्योंकि इसमें तार जो टूटने का डर रहता है। ये देखिए इसके आराम से मुझे तार निकाल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा बुश इसका तो पीछे का जाम हो चुका है, बिल्कुल आराम आराम से हम इसकी ये निकालेंगे ताकि आपकी मोटर की अगर एक भी तार टूट गया तो मोटर ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी ये। और इसकी एल्युमिनियम की वाइंडिंग होती है, इसमें आप टाका भी नहीं लगा सकते हो जल्दी से। बिल्कुल आराम आराम से हम इसमें सब तार निकालेंगे। ये देखिए इसका गुरबट निकाल दिया हमने और बिल्कुल आराम आराम से इसका तार जो है हम निकालेंगे। ओके बिल्कुल ध्यान से बारीकी से हम आपको एक एक चीज़ इसमें बताएंगे। ये देखिए निकल चुका है इसका ये स्टेटर, हमने इसके जो मोटर साइड में रख दी। और देखिए इसकी सापट है ये काली पड़ चुकी है, देखिए पीछे से। और ये देखिए दोनों हमने इसके स्पेसर हैं जो वार्शल के निकाल दिए बाहर। और देखिए इसकी सापट जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, यहाँ से काली पड़ चुकी है, इसके अंदर इसकी सापट भी ख़राब है। और अब इसके हम देखिए बुश निकालेंगे, छेनी ले लेंगे। देखिए दोस्तों अगर इसमें लोहे की रिपीट होती थी तो हम इसे ग्राइंडर से घिस के काटते, और ये एल्युमिनियम की रिपीट है, ये किसी ने पहले रिपेयर कर चुका है तो इसलिए हम इसमें आराम से छेनी की वजह से काट जाएंगे। ये देखिए आराम से कट रही है, ये देखिए आराम से कट रही है, ये देखिए बिल्कुल। ये इसकी देखो 6 की 6 रिपीट अपने काट दी है इसकी, ये एक और रह गई है, ये
लास्ट रिपीट बची है इसकी। ये भी कट गई है इसकी, देखिए। और इसका बुश निकल चुका है, ये बुश इसका बिल्कुल काला पड़ा हुआ है, बिल्कुल घिस चुका है इसका पीछे का बुश। और इसी कारण था इसका, जो ये जाम होने का मेन कारण इसका यही था। अब हम इसमें देखिए नया बुश डालेंगे, किस तरीके से डालेंगे इसको। पहले साफ़ सफाई कर ली इसकी, जो पुरानी रिपेयर है हम इसमें से निकाल लेंगे इसे। इसी पुराने रिपेट निकाल के जो सब जाती है, क्योंकि एल्युमिनियम की रिपेट होती है ये फैल जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है, निकालने में थोड़ी बहुत दिक्कत देती है। ये आराम से हम निकाल लेंगे इसे। और देखिए ये रिपेट हमारी निकालनी चालू हो गई है, निकल चुकी है ये इसमें से रिपेट। और हमने पत्ती भी सीधी कर ली है, और ये इसके पुराना बुश है ये देखिए। और इसमें हमने ये लगाएंगे नया बुश। ये दोस्तों जो ऑर्डिनरी किट होती है, जो इसका जो बुश का डाया होता है हल्का सा मामूली सा इसका ओवर होता है, इसका साइज बड़ा होता है हल्का सा। आप जब भी बुश खरीद के लाओ तो इस मोटर का कहकर ही लेके आओ, क्योंकि इसमें आप ऑर्डिनरी किट का जो बुश लगाओगे इसी साफट में तो आपका वो बहुत टाइट बैठेगा और आपकी मोटर बार बार जाम होती रहेगी और चलेगी नहीं। उसकी जो साफट का साइज होता है हल्का सा, जो नॉर्मल किट होती है हमारी 24 स्लॉट की जो होती है उससे हल्का सा इसका डाया आउट होता है। ये 110 की मोटर होती है हाई स्पीड की। हाँ, अगर अब इसकी सापट भी उसमें ऑर्डनरी डाल दो जो दूसरी होती है तो आपको वो उस काम में कर जाएगा, अन्यथा तो ये काम नहीं कर पाएगा। ये देखिए नमदा हमने लगा दिया, इसका साफ़ था नमदा। और जो हम इसके अंदर तेल जो यूज़ करेंगे ये हम एकदम फ्रेश क्वालिटी का तेल यूज़ करेंगे। तेल में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है कभी भी उस पर, तेल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। कई बार मिस्त्री क्या करते हैं, जो उनकी बाइक का गाड़ी का तेल निकलता है वो उसी यूज़ में ले लेते हैं। उससे आप कितना ही बढ़िया बूस्ट और कितनी ही बढ़िया सापट लगा लो, आपका जो मोटर है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती, क्योंकि उसके अंदर खारापन आ जाता है हल्का सा और बिल्कुल चिकना नहीं होता। ये बिल्कुल चिकना तेल है बिल्कुल, और इससे आप एक बार डाल दोगे, क्योंकि ये ऑयल बूस्ट होता है, इसके अंदर तेल चलता है और बिना तेल के ये बूस्ट नहीं चल सकता। आप कितना भी बढ़िया बूस्ट लगा लो, अगर आपका तेल अच्छा नहीं है और आप इसमें तेल डालना भूल जाते हो, नहीं डालते हो, तेल में कंजूसी करते हो, तो आपका बूस्ट बदलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और देखिए हम जो तेल बुश जो डालते हैं हम इकट्ठे करके 5-7 बुश तेल के डब्बे में डाल के भिगो देते हैं, जिससे तेल उसमें अच्छी तरह से भर जाता है। अब हम इसे ठोक देंगे इसके साथ। देखिए एक एक करके हम रिपीट ठोक देंगे। देखिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा साफ नहीं आ रहा है सेंटर में, क्योंकि जो हमारा स्टैंड है वो थोड़ा आउट हो रहा है, इसके लिए हम समझ आएंगे थोड़ी सी आपसे, लेकिन अगली वीडियो में हम आपसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो देखनी है प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। हम आपको मिक्सी की, वॉशिंग मशीन की, पंखा, कूलर, ओवन, माइक्रोवेव की बारीक से बारीक डिटेल में बताएंगे, जिससे कि आप उसे घर में भी रिपेयर कर सकते हो। अगर आप मिस्त्री हो तो आपके लिए और भी आसान हो सकता है। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है हमसे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। ये देखिए हमने इसको साफट की मदद से ठोक दिया है। ये देखिए ये हल्का सा छेद कई बार आउट हो जाता है, उसके लिए हमने इसे पेच से सही कर लिया। देखिए थोड़ी से उसके सापड़ से अब हम इसे ठोक देंगे। दोस्तों ये बूस बदलने का काम एक तरह से देखा जाए बहुत आसान है, लेकिन इसमें ज़रा सा भी दिक्कत पड़ जाए, अगर आपका बूस थोड़ा सा आउट हो जाए तो आपको बहुत इसमें दिक्कत पड़ सकती है। लेकिन बहुत आसान काम है, आप इसे बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसे ठोक लिया है।
दे दी है हमने, चारों रिपीट इसकी लगा दी है बस की, बस हमारा टाइट हो चुका है। अब हम इसकी सापट बदल लेंगे, सापट बदलने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक पाइप का टुकड़ा लेना है, उसे रोटर के बीच में रख देना है और सापट को ऊपर से हथौड़े से ठोकना है बड़े, कम से कम भी आधा 1 किलो का।